हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और भाई, काफ़ी टाइम से आप लोगों के रेगुलरली कमेंट आ रहे थे, सर 11th कब से स्टार्ट करोगे, 11th मैथ कब से स्टार्ट करोगे। तो फाइनली भाई, आज से हम 11th मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट वन होगा जिसमें हम 11th मैथ की पहली क्लास ले रहे हैं और ये सब आपके लिए है। और सबसे पहले मैं अगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको 12th अच्छे से करना है बेटा, है ना, 12th अगर आपको अच्छे से करना है तो 11th मैथ का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। कुछ तो चैप्टर ऐसे हैं जो सेम टू सेम आपको 11th में देखने को सॉरी 12th में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने 9th के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपने 10th में पढ़े होंगे। सेम कहानी यही है 11th 12th की। 11th का फर्स्ट चैप्टर जो आपने देखा, सेट यानी कि समुच्चय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई? सेट यानी कि समुच्चय, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरा का पूरा नींव है किसका, रिलेशन एंड फंक्शन का और सेट्स का। 12th में आपका जो फर्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन, पूरा का पूरा उसका जो जड़ है, जो बेसिक है, इसी चैप्टर में है। अगर ये आपको अच्छा आता है तो आप सेट तो पूरा कर ही जाओगे, साथ ही साथ रिलेशन एंड फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों से हम क्लास की शुरुआत करते हैं और धीरे 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 हम सारी चीज़ें सीखेंगे। एकदम से कुछ भी नहीं सीखना है। मैं आज की इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, देखो यहाँ मैंने लिख दिया है कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, रिक्त समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है। इसके अलावा भी इतनी सारी चीज़ें हैं समुच्चय में, उनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, है ना। अगर एक साथ में बता दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, इतना कुछ समझने के बाद, इतनी चीज़ें समझने के बाद आपकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 दोनों क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं भाई समुच्चय से कि आखिर समुच्चय होता क्या है। समुच्चय कुछ नहीं होता, समुच्चय वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह होता है। जैसे यहाँ लिखा हमने कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। भाई ये सुपरिभाषित समूह, समूह तो समझ में आ रहा है सर, ग्रुप हो गया, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया तो वो समूह कहलाता है, लेकिन सुपरिभाषित का क्या मतलब है भाई? जैसे भाई सुपरिभाषित का मतलब जिसकी कोई परिभाषा हो, जिसका कोई निश्चित वैल्यू हो जिसकी, जैसे कि हमने लिखा सप्ताह के दिनों का समूह है, है ना, सप्ताह के दिनों का समूह। तो हमें पता है सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, ये निश्चित है, ठीक है। तो ये क्या है, सप्ताह के दिनों का समूह जो है वो निश्चित है, उनमें 7 ही दिन होते हैं, तो इस समूह को हम समुच्चय में रख सकते हैं। दूसरा हमने लिखे सौर मंडल के ग्रहों का समूह। अब सौर मंडल में 8 ही ग्रह होते हैं, सभी जानते हैं, तो निश्चित है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शुक्र अरुण जो भी है 8, है ना, अरुण वरुण शनि बृहस्पति, जो भी 8 ग्रह हैं वो फिक्स हैं अपने आप में। तो ऐसे समूह जो अपने आप में फिक्स होते हैं, सुपरिभाषित होते हैं, उन्हीं समूह को, उन्हीं ग्रुप्स को हम सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो उम्मीद है समुच्चय आपको समझ में आया कि किसे कहते हैं। एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या निश्चित होती हैं। निश्चित का मतलब ये नहीं कि हम उनको काउंट कर सकते हैं, अनंत तक होती हैं, लेकिन एक निश्चित उनका परिभाषित होती है कि भाई प्राकृत संख्या कैसी होती है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, माने 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो ये समूह भी एक क्या है, इन प्राकृत संख्याओं का समूह भी क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब बात ध्यान से सुनो, समुच्चय तो हमने समझ लिया कि भाई समुच्चय होता क्या है, लेकिन समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। माना हमने कि सप्ताह के दिनों का समूह जो है ये एक समुच्चय है और इस समुच्चय को हमने ए से दर्शाया। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जब भी आप समुच्चय को दर्शाओगे तो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से दर्शाओगे, किससे, कैपिटल अक्षर से। अब मान लो इस समुच्चय को हमने लिखा भाई, क्या लिख लिया, ए। तो समुच्चय के जो अवयव होंगे, अभी मैं बताऊंगा अवयव क्या होते हैं। समुच्चय मान के चलिए आपका एक घर है, मान लीजिए ये आपका घर है और इस घर का नाम है समुच्चय, ठीक है, इस घर का नाम क्या है, समुच्चय, और इसको हम कैपिटल ए से दर्शा रहे हैं। अब इस घर में कुछ सदस्य होंगे और इस घर जो है ये घर किसका है भाई, सप्ताह के 7 दिनों का समूह है, ठीक है। तो इस घर के सदस्य कौन हो गए भाई, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूजडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये इस घर के सदस्य हो गए। इन्हीं सदस्यों को हम अवयव कहते हैं। ये घर क्या है, हमारा समुच्चय है, घर के सदस्य यानी कि समुच्चय के सदस्य यानी कि समुच्चय के अवयव हो गए। अब बात ध्यान से सुनना, समुच्चय को लिखने का तरीका होता है ए बराबर, ये होता है आपका मंझला कोष्टक, या इसको हम इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो सेट को हमेशा, सेट के जो अवयव होंगे, सेट के
सेठ रूपी जो घर है उसके जो सदस्य होंगे इसके अंदर लिखे जाएंगे, ये जो मंजिला कोष्टक है इसके अंदर लिखे जाएंगे। अब सप्ताह के दिन कौन कौन से हैं भाई, संडे हो गया, कॉमा लगाएंगे, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया है ना, आपका थर्सडे हो गया, फिर आपका फ्राइडे हो गया, फिर आपका सैटरडे हो गया। इस प्रकार से आपके सप्ताह के 7 दिन हो गए, तो ये क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया और समुच्चय को लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। और ये समुच्चय का कौन सा रूप है, तो लिखना बेटा सारणीबद्ध रूप है, अभी आगे इस पे हम चर्चा करेंगे सारणीबद्ध रूप पे, ठीक है। तो ये क्या है, समुच्चय का सारणीबद्ध रूप है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इनके बारे में, तो अभी मैंने चर्चा नहीं की, अभी अपन इनको भी देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ समझना। ये समुच्चय के अंदर जो लिखे हैं ना, ये अपने आप में अवयव हैं, ये क्या है, अवयव यानी कि एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट या फिर अवयव, इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। तो ये समुच्चय के अवयव हो गए, ठीक है, हमने समुच्चय समझा, वही समुच्चय के अवयव भी हमें समझ में आ गए कि समुच्चय के अंदर जो संख्याएं लिखी जाती हैं, जो अक्षर लिखे जाते हैं, जो भी चीज़ समुच्चय के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, मंजिला कोष्टक के अंदर लिखी जाती है, वो समुच्चय के अवयव होते हैं। इतनी बात तो सर हमने समझ ली, आगे हमें ये समझना है कि ये रिक्त समुच्चय लिखा ये क्या होता है भाई। देखो समुच्चय आपको समझ में आया, अब मैंने एक समुच्चय लिया भी, बराबर में कोष्टक लिखा और इस कोष्टक के अंदर कोई भी सदस्य नहीं है, माने कि सुनसान घर, भूतिया घर जिसको आप कहते हैं, मतलब इसमें कोई नहीं रहता भाई, अब भूत रहते हैं, भूत कभी दिखते ही नहीं है ना, तो ये एक खाली घर है, रिक्त समुच्चय माने खाली घर जिसमें कोई भी समुच्चय नहीं होता, लेकिन घर जरूर होगा, घर घर मतलब ये कर्ली ब्रैकेट जरूर होगा और इसमें कोई भी समुच्चय नहीं होगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है भाई, रिक्त समुच्चय कहलाता है, क्या, रिक्त समुच्चय। अब एक और मजे की बात क्या है कि रिक्त समुच्चय को दर्शाते कहाँ से हैं, फाई से दर्शाते हैं, ये जो चिन्ह लिखा है इस चिन्ह को फाई पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, फाई, फाई माने रिक्त समुच्चय, बात समझ में आ गई। तो हमने रिक्त समुच्चय समझ लिया कि सर रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, ठीक है भाई। अब देखना उप समुच्चय हमें पढ़ना है भाई, उप समुच्चय, अब समझना ध्यान से जरा, उप समुच्चय क्या होता है, देखिए हमने देखा समुच्चय का एक घर जिसमें संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 7 अवयव थे। अब ये अवयव जब इस घर से अलग होके अपना एक छोटा सा घर बना लेते हैं तो वो इस बड़े घर का उपसमुच्चय कहलाते हैं, बात समझिएगा। यहाँ पे हमने एक समुच्चय और लिया बी, जिसमें सप्ताह के 3 दिनों के नाम हमने लिख दिए भाई, हमने संडे लिख दिया, हमने ट्यूजडे लिख दिया और हमने फ्राइडे लिख दिया, बात समझिएगा। हमने एक समुच्चय बी लिया जिसमें सप्ताह के 3 दिन हैं, कौन कौन से हैं, संडे है, ट्यूजडे और फ्राइडे है। अब ये तीनों दिन क्या इस समुच्चय में आपको मिल रहे हैं सर, बताइए, इस समुच्चय में मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं सर, यहाँ संडे है, ये हमारा ट्यूजडे है और ये हमारा थर्सडे, मतलब ये जो उपसमुच्चय है, ये जो बी समुच्चय है ये क्या हो गया, ए का उपसमुच्चय होगा, क्या होगा भाई, बी कॉमा ए का क्या होगा, उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय मतलब ऐसे समझिए, उपसमुच्चय मतलब किसी जो बड़ा परिवार था उसमें से एक छोटा परिवार अलग रहने लगा, उसने अपना खुद का घर बना लिया, लेकिन भाई उसका कनेक्शन तो है इससे कि नहीं, ये सारे के सारे हैं तो इसी परिवार का हिस्सा, अलग तो नहीं हुए, मतलब अलग हो गए हैं लेकिन हैं तो इसी परिवार का हिस्सा, ऐसा तो नहीं कि अगर यहाँ पर पिताजी रह रहे हैं भाई, पिताजी ने अलग मकान ले लिया और यहाँ पर बेटे ने अलग मकान ले लिया, अब ऐसा नहीं हुआ कि भाई जो बेटा है और इनका पिताजी का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, रिश्ता तो कभी खत्म नहीं होता है ना। तो सेम टू सेम यहाँ कहानी है कि उपसमुच्चय क्या होता है, ए का ऐसा समुच्चय होता है जिसके सारे अवयव हमें ए में मिलते हैं, जैसे यहाँ पर वी है तो वी के सारे अवयव सारे सदस्य कहाँ मिलेंगे, ए में मिल जाएंगे, मतलब वी ए का उपसमुच्चय हो गया, ठीक है। ये जो चिन्ह होता है ये यू, आड़ा वाला यू है ना, यू को अगर हम लेटा दें तो ये उपसमुच्चय का चिन्ह कहलाता है, बी और इस तरीके से अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि बी उपसमुच्चय है ए का, इसको क्या पढ़ा जाता है, वी उपसमुच्चय है ए का, ठीक है। तो ये उपसमुच्चय वाली बात समझ में आ गई, उम्मीद है समझ में आ गई होगी है ना। उसके बाद देखिए समुच्चय का निरूपण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, समुच्चय का निरूपण ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान से समझना है, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसी पे आ रहा हूँ, इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इनको भी देख लीजिएगा। देखो मानक, महत्वपूर्ण मानक समुच्चय, कुछ समुच्चय
मानक हैं उनके हमें इंडिकेटर याद रखने, मतलब उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं ये याद रखने हैं। अब आपने प्रकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, धन पूर्णांक, ये सब कुछ दसवीं में पढ़ा हुआ है। मैं दोबारा से बिल्कुल नहीं बताऊंगा यहाँ पे, है ना। टेंथ वाली क्लास में मैंने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं भी देखा तो टेंथ वाली क्लास देख लेना, या आप, मैं मान के चला हूँ ये सब आपको आता है, मतलब कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण, परिमेय, ये सब क्या होती हैं, ये सब जानते हैं। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है आपको याद क्या रखना है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल एन से दर्शाएंगे। पूर्णांक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम डब्ल्यू से दर्शाएंगे। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को आई से दर्शाएंगे। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से यानी रियल नंबर। धन पूर्णांकों के समुच्चय को आई प्लस से यानी इंटीजर। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेशन याद रखने इनके। इसके बाद देखना बेटा महत्वपूर्ण चिन्ह, ये कुछ मैंने यहाँ पर चिन्ह लिए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये जो मैंने आपको बता दिया ये मंजला कोष्टक होता है, इसी को करली ब्रैकेट कहते हैं। फाई भी मैंने आपको बता दिया है, फाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट है भाई ये जो ई दिख रहा है ना आपको उल्टा ई, इसको हम बोलते हैं संबंध रखता है या फिर अवयव है। क्या अवयव है? अवयव है, या तो अवयव है या संबंध रखता है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई? बिलोंग्स टू बोला जाता है। और जब इसी ई को हम ऐसे करके काट देते हैं, ये वाला ऐसे काट दिया, तो इसको बोलते हैं संबंध नहीं रखता है, अवयव नहीं है, या फिर नॉट बिलोंग्स टू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। तो अब देखो आगे ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा मैं इसको आपको यहीं बता देता हूँ। देखना, ये तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फाई क्लियर हो गया, एक समुच्चय, ये मंजला कोष्ठक क्लियर हो गया। अब देखना बेटा, समझना जरा ध्यान से। अगर हमने लिखा कि जो एस है यानी कि जो हमारा संडे है, और इसके आगे हमने ये चिन्ह लगा दिया संबंध रखता है या अवयव है, और इसके हमने आगे लिख दिया क्या ए, मतलब जो संडे है वो समुच्चय ए से संबंध रखता है, या फिर एस यानी कि संडे समुच्चय ए का क्या है? अवयव है, है ना। एस बिलोंग्स टू ए, मतलब एस किसको बिलोंग्स कर रहा है? ए को कर रहा है, ए से संबंध रख रहा है, या फिर एस जो है ए का एक अवयव है। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख दें कि टी नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ट्यूजडे मान के चल रहे हैं हम इसको, है ना, ट्यूजडे नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मंगलवार है वो ए में नहीं है। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे हमने ए बराबर एक समुच्चय लिया जिसमें हमारे पास एक दो तीन, सिर्फ तीन अंक हैं, एक दो तीन, तीन सदस्य हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि फोर नॉट बिलोंग्स टू ए, अब चार ए में नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, है ना। चार अवयव जो है वो समुच्चय ए में नहीं है, यहाँ भी है भी नहीं यहाँ पे, तो चार अवयव नहीं है ए में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सेट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समुच्चय का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। समुच्चय को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। अब देखो समुच्चय का जो निरूपण है वो दो प्रकार से किया जाता है। दो कौन कौन से प्रकार होते हैं भाई? नंबर पहला आपका होता है भाई सारणीबद्ध रूप। क्या होता है? सारणीबद्ध रूप। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म। क्या? टेबुलर फॉर्म, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या? रोस्टर फॉर्म। सारणीबद्ध रूप या टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, एक ही बात है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भाई, दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या होता है भाई? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप भाई, इसमें बच्चों को बड़ी समस्या आती है, जबकि ये बहुत ईजी है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, फिर भी बच्चे बोलते हैं सर समुच्चय निर्माण रूप में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। बहुत ईजी है, आराम से बस समझ लीजिए एक बार, है ना। समुच्चय निर्माण रूप, इसी को हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब भाई ये क्या होता है? देखो मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। सबसे पहले तो मुझे बताना, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, स्वर तो समझते हैं वॉवल, है ना, स्वरों का समूह, ये समुच्चय होगा कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ, कमेंट में लिख दो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह समुच्चय होगा या नहीं,
इस बात को आपको बताना है, कमेंट में आंसर देना है। अब मैं बता देता हूँ कि भाई ये जो समूह है ये क्या होगा, समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में केवल और केवल 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं, इनके अलावा कोई स्वर नहीं होता। मतलब ये फिक्स है, सुपरिभाषित है, इनमें एक रिलेशन है आपस में कि ये अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसके स्वर हैं, वॉवल हैं। ठीक है भाई, इस समुच्चय को हमने नाम दे दिया मान लो ए, या फिर नाम दे दिया भाई कैपिटल वी। कैपिटल वी बराबर हमारे पास एक समुच्चय है ए ई आई ओ यू, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। ठीक है, तो जो ये रूप लिखा हुआ है, जो ये फॉर्म लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं भाई पहला वाला सारणीबद्ध रूप। क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध रूप हम इसको कहते हैं। वी बराबर ए ई आई ओ यू, ये हमारा होता है भाई सारणीबद्ध रूप। क्या? सारणीबद्ध रूप। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया सारणीबद्ध रूप। अब इस सारणीबद्ध रूप को एक तरीके से और लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण रूप या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें हम कैसे लिखेंगे भाई इसको, देखना बेटा। सारणीबद्ध रूप में लिखने का तरीका, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे देखना भाई। वी बराबर एक्स सच दैट एक्स, समझना, ध्यान से समझना, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। वी बराबर एक समुच्चय है, हमने लिखा पहले घर बना लो, सदस्यों को हम बाद में बिठा लेंगे, पहले हमने घर बना लिया, अब इसमें सदस्य लाना है। यहाँ सदस्य कैसे हैं भाई, लाइन से पड़े हुए हैं बिल्कुल एक टेबल में, लाइन से ए ई आई ओ यू। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, इनको इस तरीके से नहीं लिखना, इनको अलग तरीके से लिखना है। मतलब वी जो समुच्चय है इसमें अवयव होंगे, मान लो वो अवयव क्या होंगे, एक्स होंगे भाई, हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स होंगे। अब जो एक्स है वो किस प्रकार का हो सकता है, तो यहाँ पर हम दो बिंदी लगाएंगे भाई, ये दो बिंदी चिन्ह होता है सच दैट का, किसका चिन्ह होता है, सच दैट। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि। तो वी में एक्स है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, समझना ध्यान से, अभी समझ में आएगा आपको, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इसमें हमने ये लिखा, समझना ध्यान से, हमने लिखा वी बराबर एक समुच्चय है, समुच्चय के अंदर हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब एक्स की जगह क्या क्या आ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं वो सब इस समुच्चय में आ जाएंगे जो कि यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये हमारा सारणीबद्ध रूप होता है, ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आपको आ जाएगा सारणीबद्ध रूप में लिखा गया, वो आपसे पूछ लेगा कि दिए गए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, या फिर आपको ये वाला रूप दे देगा और आपसे पूछेगा कि सारणीबद्ध रूप में लिखिए, तो आप बड़े आराम से आप लिख सकते हो। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, एक हमने समुच्चय लिया ए बराबर, एक हमने समुच्चय लिया और इस समुच्चय में हमने अवयव क्या लिए, 10 की भाज्य संख्या, 10 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लो भाई, 2 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे एक बार। ठीक है, 10 के अभाज्य गुणनखंड हमने इसमें लिए, क्या क्या आ गए भाई, 2 आ गया और 5 आ गया, तो ये सारणीबद्ध रूप है। अब इसी चीज़ को आप समुच्चय निर्माण में कैसे बनाओगे, तो हमने लिखा भाई a बराबर, ये कोष्टक लगाया, यहाँ x लगाया, दो बिंदी लगा दी, इतना काम तो आपको करना ही है ना। समुच्चय a में x है भाई, अब x किस प्रकार है, x संख्या 10 का एक अभाज्य गुणनखंड है, आपको क्या लिखना है, ये 2 और 5 क्या है, 10 के अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, x संख्या 10 का एक अभाज्य गुणनखंड है, तो ये बन गया भाई समुच्चय निर्माण रूप बन गया। इससे आप ये बना सकते हो, इससे आप ये बना सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, पहले मैं लिखूंगा समुच्चय निर्माण रूप, उससे मैं आपको बना के दिखाऊंगा सारणीबद्ध रूप, फिर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है भाई, देखना, एक और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना बेटा, समुच्चय निर्माण रूप लिख रहा हूँ मैं, कौन सा, समुच्चय निर्माण रूप। हमने एक समुच्चय लिखा a बराबर, जिसमें x है और x इस प्रकार है कि x 10 से कम
सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, समुच्चय है। देखना, समझना मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि a बराबर x, x सच दैट x इस प्रकार है कि 10 से, x सच दैट x 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। मतलब जो x की जगह है वो क्या क्या आ सकता है, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं जो 10 से कम हैं वो सारी की सारी a में आ सकती हैं। तो लिख दो भाई कौन कौन सी हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात, आठ, नौ, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से कम लिखा है भाई। 10 के बराबर होता तो अपन 10 भी इंक्लूड कर देते, अब 10 से कम है तो हमने 9 तक ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा सारणीबद्ध रूप बन गया। ये क्या बन गया, सारणीबद्ध रूप बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो ये एक दूसरे से हम कोई सा भी रूप बना सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की सारी स्टोरी, सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी, है ना। समझ आ गई हो तो भाई कमेंट में यस जरूर लिख दीजिए, है ना। कमेंट में जरूर लिख देना भाई, यस सर समझ गए। क्या लिखेंगे, यस सर समझ गए। ठीक है भाई, चलो अभी थोड़ा लाइट जा चुकी है तो थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया है, शायद आपको पहले की तुलना में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा। तो इस क्लास को मैं फिलहाल यहीं एंड कर रहा हूँ। इसके बाद जो एक्सरसाइज है 1.1, एक्सरसाइज जो 1.1 है इसको मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा बहुत जल्दी आपके लिए। इसको मजबूरी में मुझे बंद करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ लाइट का थोड़ा इशू चलता है, गांव में लाइट चली गई है तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना। तो मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको एक से दो बार देखिएगा और बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज 1.1 के सवाल खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 11th क्लास में आ गए हैं और जिन्होंने मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी लिया हुआ है, सॉरी बायोलॉजी क्यों, सिर्फ मैथमेटिक्स लिया है, उनके लिए शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी से खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।